हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो टुडे सेशन इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो, बिकॉज आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि हाई कोर्ट क्या हमारे एग्ज़ाम को चेंज कर सकता है या हमारा एग्ज़ाम पुराने पैटर्न पे होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपका जो MNS का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो NTA ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और डेट भी आपकी इंक्रीज़ कर दी है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो NEET UG के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने केस फाइल किया है हाई कोर्ट में, होप सो कि फेवर आप लोगों के इसमें आए। तो आई थिंक आज एक इंस्टीट्यूशन का और कल, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक वेट करिए, उससे ज़्यादा आप वेट मत करिए, क्योंकि कल 5 तारीख होगी। उसके बाद अगर आप वेट करेंगे इसी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का, तो ये तो बहुत टाइम तक आगे बढ़ता जाएगा और आपकी स्टडी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब होती जाएगी। तो अभी आप लोग 2 दिन रुक सकते हैं, उसीलिए मैंने अभी क्लासेस रेगुलरली शुरू नहीं किया है, बिकॉज 2 दिन हम लोग वेट कर लेते हैं। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में रहा तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को आगे इंक्रीज़ करेंगे, अगर नहीं रहा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इतना मार्क्स चाहिए, इतना स्कोर चाहिए, इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बच्चों। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमें 500 टारगेट करना है, 700 टारगेट करना है, 600 करना है। 600 प्लस में तो MBBS भी मिल जाता है। तो आप लोगों को इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में जस्ट इतना लिखा है कि नीट यूजी क्वालिफाइड, ठीक है। तो अब देखते हैं आने वाली जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब वो कर देगा तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट करेंगे। तो अभी आज ये वीडियो जस्ट इसलिए था क्योंकि आप बहुत सारे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हाई कोर्ट का क्या अनाउंसमेंट है, क्या होगा, पेपर चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ कि जिन भी इंस्टीट्यूशंस ने केस फाइल किया है वो 2 दिन के अंदर, आपको उन्होंने आई थिंक यही बोला है 4 और 5 को वेट करिए, तो 2 दिन का आप लोग वेट कर लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंडिया है, यहाँ पे क्या पता फाइल रखी रह जाती है और सालों सालों तक केस चढ़ते रहते हैं। होप सो कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हम तो सभी ही एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर नहीं भी आया तो भी आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं, आप लोग मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।